हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डाइटिशियन अनीता। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है और ऐसे में इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स की। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी पाई जाती है और आप सर्दियों में प्रतिदिन लहसुन का सेवन करने से इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं। ब्रोकली में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं। ब्रोकली इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करती है। अदरक कई तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरपूर है। सर्दियों में अदरक वाली चाय या काढ़ा प्रतिदिन बना करके पिए अदरक इन्फेक्शन से बचाने में और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती है। विटामिन और मिनरल से भरपूर गाजर हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए बहुत ही लाभदायक है। पालक आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा कैरोटीन से भरपूर है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए पालक बहुत ही हेल्पफुल है। हल्दी में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है। हल्दी में एक एक्टिव एलिमेंट करक्यूमिन पाया जाता है जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन से बचाने में मदद करता है। बादाम शरीर को नेचुरल तरीके से गर्म करने और इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए हेल्प करता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी बादाम बहुत ही फायदेमंद होता है। ये थे कुछ इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स। बच्चे हों या बड़े, सभी को सर्दियों के मौसम में इन सभी फूड्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल से संबंधित और भी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।